से आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीकेंड में कहीं भी नहीं गया, अबू भी नहीं थे यहाँ पे, तो फिर मुझे यहीं पे रहना पड़ा। अबू काम पे थे तो इस बार मेरा यही इरादा था कि शायद मैं घर जाऊँ, लेकिन दरअसल हमारे कुछ इलेक्शन हो रहे थे तो वोट देना हमारा ज़रूरी था क्लास में, तो वोट फिर नहीं हुए। ये थर्सडे और फ्राइडे का उन्होंने दिन दिया था, लेकिन बस कुछ इश्यूज़ बने हमारी क्लास में, तो उस वजह से हमारी जो HOD हैं उन्होंने कहा कि मैं खुद आके मंडे को ना आप लोगों के वोट कंडक्ट करूँगी। तो बस मैं फिर इधर हॉस्टल था, सुबह सुबह बस कपड़े वगैरह धोए हैं मैंने, तो ये यहाँ पे बाकी वो दूसरी लाइन दूसरे भाइयों की है, वो मैंने अभी ट्राउज़र और शर्ट धो के वहाँ पे लटकाई हैं, तो ये वाली लाइन मेरी है वहाँ तक आधी लाइन, तो ये ऑलमोस्ट सूख चुके हैं ये सारे। सही है, तो शहजाद भाई भी गए हुए हैं काम पे, और तकीर भाई अभी बाहर गए हैं अपने शेव करवा लेते हैं। मैं चले आप हो, मैं अगर अपने कपड़े वगैरह उतार लूँ। मेरा तो ये इरादा था कि अगर मैं नहीं जाता तो घर वाले चलो धो देंगे, लेकिन खैर बड़े दिनों बाद मैं यहाँ पे ना वीकेंड पे हॉस्टल में रह रहा हूँ। एक दफ़ा बस मिड के दौरान, हाँ जब से मेरा ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना, मिड पे मैं रहा हूँ और उसके बाद अब रह रहा हूँ। तो शहजाद भाई मुझे अक्सर कहते थे कि यार रह लिया करो, बस दिल नहीं था लगता यहाँ पे, अकेला बंदा क्या करे, अभी भी अकेला ही हूँ। वहाँ से वो देखे उधर से वो ऑरेंज लाइन ट्रेन की वो है पुल है, तो वहाँ से ऑरेंज लाइन गुजरती है। रात को बड़ा प्यारा यहाँ पे सीन बनता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी यूरोप का सीन बन रहा हो। ये मेरे कपड़े हो गए सारे, अभी नीचे लेके जाता हूँ, और तय वगैरह इसको लगाते हैं और इसको रख देते हैं एक, और जो मेरा अपना बैग है उसमें, क्योंकि कल भी संडे है, फिर इसलिए मैंने आज धो लिए ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। स्टडी भी करनी है, असाइनमेंट्स भी बनानी होती हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, अगले महीने फिर हमारे फाइनल आ रहे हैं, उन्होंने डेट भी बता दी है, तो जब से डेट बताइए बंदा और ज़्यादा टेंशन में आ गया है, ऐसा लग रहा है कि शायद बस एक दो दिन गुजरने और पेपर हो जाने हैं। चले मैं नीचे चलता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। सारे कपड़े पैक कर लिए, और ये जिसमें मैं मतलब नमीज़ पीता था खजूर की, तो बाकी सिर्फ 4 बज गई, तो चलो ये इसको ऐसे ही खा लेता हूँ। जब घर जाऊँगा तो वहाँ से लेके आऊँगा, वहाँ पे ना ज़रा हमें अपने शहर की तसल्ली हो जाती है। यहाँ पे भी अच्छी मिलती होगी, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक, मतलब बाहर नहीं गया। यहाँ पर वो थोड़ी सी वो रेड़ियों वाले खड़े होते हैं, तो ये भी यहीं की है, छोटी छोटी रहते हैं। खाने वाले गया था मैं वहाँ पे, थोड़ी सी ना मुझे बड़ी मिली थी, तो मैं चलो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहीं से परचेज करके ले आऊँगा। तो ये खा के कुछ पेट की खिदमत का सोचते हैं, क्योंकि तकीर भाई भी हैं, शहजाद भाई भी हैं, मैं भी, हो सकता है एक नदीम साहब भी आ जाए हमारे साथ। तो शहजाद भाई को कहा हुआ है कि आप ही लेके आ जाइएगा सामान, तो खुद बना देंगे। अब मुझे खजूर खा के देखता हूँ, ज़्यादा अगर लेट होगी तो फिर मैं फायर से कुछ अपने लिए ले आता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी सॉक्स सुखाई थी यहाँ पे, बाकी तकीर भाई उठ गए। तकीर भाई क्या हाल है,
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नज़र ही नहीं आया कैमरे की अनबॉक्सिंग करने के बाद। हाँ, मैं असल में घर चला गया था तो फिर वापस आया हूँ। फिर आपको पता ही है ड्यूटी भी मेरी नाइट की होती है जी। तो सुबह मैं अवेलेबल नहीं होता कमरे में, मैं सोया होता हूँ ज़्यादा। हाँ जी सर, दुनिया के हाँ सही बात है। आज मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए हैं भाई। पहले मैं ज़रा खुश था, मैं कि शायद मैं घर चला जाऊँ। अच्छा, लेकिन वो इस खुश फहमी में रह गया। मैंने कहा नहीं, अभी रहने दो। अच्छा। और आप सुनाएं? बस आज मैच चल रहा था। हाँ जी, मैच था पाकिस्तान का। आज 400 रन पड़ गए थे, लेकिन देखें जीत गए। हाँ जी जीत गए सर, 400। पाकिस्तान जीत गए। कुदरत का निज़ाम है देखें जी। आजकल बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है कुदरत का निज़ाम, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने जो है ना वो हेल्प की है, मदद की है, मतलब हर लिहाज से मदद की है। 400 खाए हैं, बारिश भी हो गई मैच में, बारिश की वजह से फ़ायदा हो गया। तो मैंने कपड़े वगैरह धो दिए अभी भाई, मैच को धो के बैठे हो। हाँ जी, बस मैं मतलब फ्री होता बंदा तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आप देते हैं, बाकी यह है कि बस आज की रूटीन दोस्तों यही थी कि सुबह उठाऊँ, कपड़े वगैरह धोए, सर में दही वगैरह लगाई जी। आप तो सोए हुए थे उसे? हाँ जी। तो इंशाल्लाह ये है कि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो यहीं पे एंड करते हैं। खाने पीने का सिस्टम जो है ना वो आज रह गया था। आज हमने बनाई थी चिकन कढ़ाई। वो हमारा एक बंदा लेट हो गया। कढ़ाई बन गई है, चिकन कोई नहीं। कढ़ाई पड़ी हुई है, वो है पीछे पड़ी हुई है, लेकिन चिकन नहीं, चिकन नहीं है। तो सब्जी भी अलग पड़ी हुई है वो देखें। तो इंशाल्लाह कल से न्यू रूटीन आपको बताएंगे। ये ना हो कि बिल्कुल ये 20-25 मिनट की हो जाए तो जी फ़ायदा नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो अगर ये आपको नॉर्मल रूटीन हमारी भाई हॉस्टल में यही होती है, हम कहीं जाते तो है नहीं बिल्कुल, तो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर भाई आप भी कह दें जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर वगैरह करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये रूटीन ऐसी होती है कि कॉलेज के टाइम पर सबके साथ ये टाइम हो चुका होता है, मतलब हॉस्टल्स वगैरह में रह चुके होते हैं लोग, तो उनके लिए ये एक मतलब उनके सीख है उनके लिए, और वो अपने मतलब एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम याद कर सकते हैं। हाँ, सीखा तो मैंने बहुत कुछ है, कुकिंग सीख लिया, कपड़े धोना सीख लिए, सारा कुछ खुद ही किया ना यहाँ पे। जी जी। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।